जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा दिखा है तुम सा मैंने हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मशीन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सारा खान को तो आप सब लोग जानते होंगे, रक्से बिस्मिल ड्रामे में जो उन्होंने किरदार अदा किया वो बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी लग रही थी वो उसमें। आज की वीडियो में हम सारा खान का यानी जोहरा का लुक रिक्रिएट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा स्मोकी आई लुक है ये वाला लुक रिक्रिएट करेंगे। मैंने वैसे ही बाल बनाने की कोशिश करी है थोड़े से। अभी रिसेंटली तो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा इश्क मुर्शिद ही चल रहा है, शामी सिकंदर और शिब्रा वाला, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आप सब लोग भी ड्रामे को ट्रेंडिंग पर चला रहे हैं। उस ड्रामे के मैंने दो लुक रिक्रिएट करे थे, आप लोगों ने उस लुक्स पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है मुझे। मैं आप लोगों के लिए और भी शिब्रा की बहुत खूबसूरत खूबसूरत लुक रिक्रिएट करूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। पर आज के लिए हम रिक्रिएट करेंगे सारा खान का जोहरा का लुक। सबसे पहले मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो स्किन ट्रैप हो जाती है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सिर्फ फाउंडेशन अपने अंडर आइज़, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे अपने आइज़ का मेकअप। फाउंडेशन को मैंने अपने अंडर आई एरिया पर लगा के और अपने आइज़ पर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि हम जब अपना आइज़ मेकअप करें तो उसके नीचे एक बेस तैयार हो हमारा और आइज़ मेकअप हमारा बहुत ही इन्हेंस हो के और खूबसूरत लगे। फिर मैंने फिंगर्स के बाद अपने ब्रश से उसको अच्छे से सेट कर लिया है और हल्के से पाउडर से उसको सेट कर लिया है, ताकि क्रीज ना बने, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगे और बहुत ही खूबसूरत हमारा आई मेकअप हो। उसके बाद मैं आई मेकअप के लिए लूँगी पहले एक न्यूड कलर का ट्रांजिशन शेड। सारा खान ने बहुत ही खूबसूरत सा स्मोकी आई लुक किया है, उन्हें सुरमा भी लगाया, तो वैसे ही सबसे पहले हम अपनी आईज़ पर अच्छे से एक ब्राउन कलर का न्यूड सा ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे पूरी लिड पर। पहले उसको अच्छे से क्रीज एरिया पर ब्लेंड करेंगे ताकि एक लाइन बन जाए, क्रीज बन जाए। और उसके बाद लेंगे हम कोई भी स्मच प्रूफ काजल अच्छे से जो ब्लेंड हो जाए, खूबसूरत लगे, उसको लगाएंगे हम लाइनर की तरह अपनी लाइन पर, वाटर लाइन पर लगाएंगे ऊपर वाली आई लिड की वाटर लाइन पर। उसको अच्छे से अप्लाई करके डार्क डार्क सा और दोनों आई लिड पर अच्छे से वो अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, आराम से अच्छे से अप्लाई करिएगा, ताकि हम जब उसको ब्लेंड करेंगे तो इतना खूबसूरत सा ब्लैक स्मोकी लुक आए, बहुत ही प्यारे लुक है। अगर आपको उसको ध्यान से बैठ के देखें और उसको करें ट्राई, बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपकी आइज पर। उसके बाद लेंगे हम एक न्यूड सा ब्राउन शेड थोड़ा डार्क कलर का, उसको लेके अपने जो काजल लगाया है हमने अपने आई लिड पर उसको ब्लेंड करते जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम अप्लाई कर लूँगी सुरमा, क्योंकि सुरमा लगाने से आपकी जो अंडर आई एरिया है वो खूबसूरत हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एक इफेक्ट आएगा। और उसको भी मैं सेट कर लूँगी ब्राउन आई शेड। सुरमा तो वैसे भी अपनी आंखों की जान होती है, आंखें सोनी सोनी लगती है सुरमा के बगैर, तो सुरमा लगा के उसको ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ब्राउन आई शेड से अच्छे से ब्लेंड कर लें, ज़्यादा मत करिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। और फिर लगा लिया मस्कारा, और आप लोग देख सकते हैं आप लैशेज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरी लैशेज थोड़ी माशाल्लाह अच्छी हैं तो मैं मस्कारा लगा लेती हूँ और लैशेज अवॉइड करती हूँ, मेरी बहुत टूट जाती हैं लैशेज। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा फाउंडेशन, उसको मिक्स करूँगी मॉइस्चराइजर के साथ, क्योंकि ऐसे अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा चैप्ड हो रही है, ड्राई हो रही है, फिर मॉइस्चराइजर के साथ मिला दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इल्यूमिनेटर हाईलाइटर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा आपके फेस पर ग्लो आ जाए। ये मॉइस्चराइजर और ये फाउंडेशन ही सिर्फ फाउंडेशन है, तो उसमें किसी चीज़ की मिलाने की जरूरत नहीं है, मतलब मॉइस्चराइजर मिला लें, थोड़ी सी सनस्क्रीन मिला लें, तो ये आपकी अच्छी सी बीबी क्रीम बन जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने फिंगर की हेल्प से ही पूरा फाउंडेशन अपने पूरे फेस पर अब ब्लेंड करा, कितना खूबसूरत लग रहा है, हर जगह से आराम से इक्वल ब्लेंड हो गया है। और मॉइस्चराइजर हमने इसमें ऐड करा तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिश दे रहा है, फॉरहेड पे भी मैंने अपने अच्छे से उसको ब्लेंड करके। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरी चीप पे कितनी प्यारी ग्लो आ गई है, एंड आई लव दैट ग्लो। उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर सेट कर लें, ताकि वो अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, प्रेस करके अच्छा सेट कर लें अपने फेस। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक्स पे मिस्ट रोज की लिपस्टिक, ये इसका नाम उसका शेड मुझे याद नहीं, पर बहुत ही खूबसूरत सी ऑरेंजिश लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, पिंक पिंक वाली लिप्स नहीं लगाया आज मैंने, थोड़ा ऑरेंजिश न्यूड कलर का मैंने मेकअप करना चाहा और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके ब्लैक स्मोकी आइज़ के साथ। उसके बाद मैं अपनी लिप्स की तरफ आऊँगी और सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लाइट ब्राउन शेड से हाईलाइट करूँगी, मतलब आउटलाइन बनाऊँगी ताकि परफेक्ट सा अच्छा शेड आ जाए और एक मतलब अच्छा से लिप्स बन जाए आपके। ये लिपस्टिक का शेड उनकी तरह क्रिएट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, पहले मैंने ये आउटलाइन बनाई, उसके बाद मैंने बहुत ही प्यार सा पिंक कलर का, ये न्यूड पिंक कलर का लिप शेड है, ये मैंने अप्लाई किया, बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर वो सेटिस्फेक्शन ही आ रही थी क्योंकि उनका थोड़ा सा रस्ट कलर की तरफ ज़्यादा, फिर मैंने ये रस्ट कलर का हैंग पिंक का लिपस्टिक ली, उसको मैंने अपने शेड पर अप्लाई किया तो थोड़ा थोड़ा उनके मिल रहा था, फिर मुझे लगा हाँ आप सही, और फिर मैंने अच्छे से हाईलाइटर अप्लाई कर लिया था अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स पर, अपने बैंग्स को अच्छे से मैंने सेट कर लिया था ब्रश से। जी फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये थी मेरी आज की प्यारी सी वीडियो, उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आए। अगर आप लोग को ये वाला लुक पसंद आया हो, आप लोग को ईजी लगाओ, तो प्लीज़ आप लोग ये वाला लुक ज़रूर क्रिएट करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों पर ये लुक कैसा लगा, मुझ पर कैसा लग रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, और मुझे लुक्स बताइएगा कि मैं किस किस के लुक्स क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए, और ये वाली वीडियो पर बहुत अच्छा दिखाइएगा।
मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वाली वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, एंड अल्लाह हाफिज़।